चश्मा और गिरवा दिया मेरा, 30 रुपए का लिया था बुध बाजार से। जो तूने कल नई चप्पल ली है उसकी फोटो दिखा दे। मैं तुझे फोटो दिखा दूं और तू उन चप्पलन ने कल को चुरा लेगा। और रिया रिया आ गई रिया। क्या दिक्कत आ रही है जब पढ़ी लिखी लोंडिया दौड़े आ रही है? गलत इरादे हैं, सामने से चल रहे इशारे हैं। तू आ जा यार घर पे, मॉम डैड नहीं है आज। अरे मेरी सुन। अरे क्या तू मुझे अपना दूसरा नंबर दे, ये पुराना वाला लगता ही नहीं है। रुक तू 2 मिनट, लड़की दे गई हिंट। अबे ओ, उसने कान में ईयरफोन लगा रखी है, किसी और से बात कर रही है वो। चश्मा और गिरवा दिया मेरा, 30 रुपए का लिया था बुध बाजार से। एक नंबर का डम आदमी है तू, कान में उसके लीड लग रही, हमारी सुनी नहीं उसके पीछे भगा चला गया। एक बार और तैने बोला डम, मुंह में फोड़ दूंगा तेरे बम्ब। उसके पापा ने इतना मारा भाई, यहाँ पे दे चप्पल भाई। रोहित यू है बेकूफ आदमी, इसकी बात हम करवाएंगे रिया सू से इमोशनल फूल बना बना के। तुझे पता है अमित के माइग्रेन है, माइग्रेन, और फिर भी उस खाली दिमाग में सिर्फ तेरे बारे में सोचता रहता है। इतने से घर में रहता है वो, और पूरा घर सिर्फ तेरे फोटोन से भर रखा है। यार तुझे पता है उस दिन वो तेरे घर नंबर देने भी आया था, बहुत सीधा है वो, बहुत सीधा। उसे हम बनाया है इमोशनल फूल, और जो भी वो कह रहा है ना, अब उसकी हाँ में हाँ मिलाना तुझे। मैं खिलाड़ी तू मनाड़ी, फिर टेंशन किस बात की आ रही? यार मुझे आज कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में। मौसम है सुहाना, खुशी का ना है ठिकाना, आपसे मिलना तो है बहाना, साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर जाना। आज तो भाई की बात बनेगी। यार तुम सच में बहुत सीधे हो। इस हाथ पे तो मैं लेमिनेशन कराऊंगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुझे बहुत दुख हुआ जान के कि तुम्हें माइग्रेन है। माइग्रेन? आई नो यार, तुम्हारे पास रहने को घर भी नहीं है। घर नहीं है? यार यू लोंडिया क्या फिल्म है, कदी तो नो कह रही है तू बीमार है, कदी नो कह रही है तेरे घर ना है। यार यू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रही है। खरीद के डाल दू 2-4 अलमारी, हमें काहे बात की बीमारी, 1 घंटा होगा भाषण देते देते। कदी तो नू कह रही है माइग्रेन की बीमारी है, कदी नू कह रही है छोटे से घर में रहे। जितना बड़ा तुम्हारा पूरा घर है ना, इतने बड़े घर में हम भैंस बांधे हैं। प्यार अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह, हटे कोड को। मैं तुझे कह रहा था एक नंबर का डम आदमी है, ये मरवा दिया ना हमें। अंकल यही दोनों लड़के हैं वो जो उस दिन मेरे घर पे पापा को परेशान करने आए थे। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं